हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ होता है और टाइप्स ऑफ माइनिंग किस तरीके से हम माइनिंग करते हैं। ये लास्ट लाइन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। व्हेन दिस डन इज मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू अ माइन, यानी हर जगह रिजर्व होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स तो कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, बट हम माइन कहाँ करते हैं? माइन करते हैं स्टूडेंट जहाँ पर ओर्स मिलते हैं, उसकी कनेक्टिविटी मार्केट से होती है और उसकी डिमांड होती है। और अगर हम जब जिस प्लेस से ओर्स को एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और फिर हमें लॉस हो, तो दैट मीन्स हम माइन वहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल मीन्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। दैट मीन्स अगर हम मिनरल्स में हम 100 मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से 70 सिर्फ फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। फेरस मिनरल्स मीन्स होता है आयरन जो लोहे के बने होते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज़। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी मशीनरीज होती हैं, पार्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम आयरन से बने हुए जरूर देखेंगे। फेरस मिनरल्स का रोल उसमें ज़रूर होता है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। दैट मीन्स हम इंडिया के अंदर इतने इनफ यानी क्वांटिटी में पाए जाते हैं फेरस मिनरल्स की अपनी डिमांड्स को कंज्यूम करने के बाद, इंटरनल जो डिमांड्स है उसको कंज्यूम कर सकते हैं और हम एक्सपोर्ट बाहर भी इजीली हम उसको भेज सकते हैं फेरस मिनरल्स को। फेरस मिनरल्स को हम दो एग्जांपल से समझेंगे, एक आयरन और मैंगनीज। फर्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। दैट मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनका डेवलपमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक क्या है? मिनरल्स है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इंडिया इज एंडाउड विद फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। दैट मीन्स इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में आयरन ओर्स पाए जाते हैं। इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। एक अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर्स पाए जाते हैं इंडिया में। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। दैट मीन्स आयरन ओर्स के टू टाइप्स होते हैं, एक मैग्नेटाइट हो गया और एक हेमेटाइट हो गया। तो मैग्नेटाइट एक फाइनेस्ट आयरन माना जाता है, उच्च कोटि का एक आयरन माना जाता है, क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को तो उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकल के आते हैं। बट जो मैग्नेटाइट है वो प्योर 70% आयरन कंटेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ कहते हैं और स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप है हेमेटाइट ओर्स। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल्स आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। हेमेटाइट भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ किया जाता है, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट। इसके अंदर आयरन कंटेंट कम पाया जाता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70 है और इसमें 50-60% पाया जाता है, बट 70% होने के बाद भी मैग्नेटाइट से ज़्यादा हेमेटाइट्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं अलॉय के रूप में यूज़ किया जाता है। अलॉय मीन्स जब हम एक या दो से अधिक मेटल्स को यूज़ करते हैं तो वह अलॉय कहलाता है, और उससे मिलकर हम एक नया मेटल बनाते हैं। लाइक हम स्टील बनानी है तो हमें उसमें यूज़ करने के लिए चाहिए होगा हेमेटाइट ओर्स, तो हम इसे अलॉय के रूप में यूज़ करते हैं इसीलिए। तो अब हम इसकी अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? डू यू नो, कुछ ऐसे मैटर हैं, इन फैक्ट हैं जो हम फैक्ट्स को समझ लें। कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स, यानी जो कुदरे का मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में हॉर्स, घोड़ा। द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स। दैट मीन्स कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका जो लुक लाइक फेस है वो कैसे दिखाई देता है? जैसे हॉर्स का फेस होता है, तो वो हाइएस्ट पीक कैसे दिखाई देती हैं। और
बेलाडिला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, हैंस इट्स नेम। बेलाडिला जो नाम है हिल का क्यों पड़ा है, बेलाडिला मीन्स जो जैसे कि कैमल का हम्प होता है, ऑक्स का हम्प उठा हुआ होता है ना, उसकी जैसे ये हील्स दिखाई देती है, इसी के हम्प के ऊपर इसका नाम पड़ा है बेलाडिला हिल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी और है, ये माइंस है, आयरन की यहाँ पे माइंस है जो आप देख सकते हैं। द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर, सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है और बेल्ट्स कहाँ पे हैं तो हम रीड करेंगे। फर्स्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट सबसे ज़्यादा, जो हम देख रहे हैं उड़ीसा झारखंड में, उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ऑर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड खंदझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज एंड कंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ज़िले हैं किसके, उड़ीसा के ज़िले हैं दोनों। और वहाँ पे बादाम पहाड़ माइंस हैं जो वहाँ से निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं हेमेटाइट और निकाल हेमेटाइट निकाला जाता है उच्च क्वालिटी का। नेक्स्ट है इन दिस एट ज्वाइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वो सिंहभूम है और इसमें हेमेटाइट आयरन ऑर्स मिलते हैं और ये माइन है गोवा एंड नमाउडी, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, माइंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पाई जाती है, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स पाया जाता है, फेमस जो है बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो ज़िला बस्तर है उसमें जो बेलाडिला रेंज है, जो हील वहाँ पे क्या पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द रेंज ऑफ हील्स कंपेराइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आयरन ऑर, यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स हैं जहाँ पे सुपर हाई ग्रेड का हेमेटाइट पाया जाता है। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, और ये बेस्ट क्वालिटी का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती है हेमेटाइट में, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, स्टील बना सकते हैं। आयरन ऑर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कुछ इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हेमेटाइट होता है तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ कर, किसके थ्रू करते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट जो वहाँ पे बिल्कुल समुद्र के पास है और इन एरिया स्टेट्स के पास है, इसीलिए हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट पोर्ट के थ्रू, क्योंकि क्या है बल्की मटेरियल जो होता है बहुत ज़्यादा वाला क्वांटिटी में होता है, तो हम उसको बाय शिप ही इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो एरियाज़ हैं वो किस साइड हैं, कॉस्ट के पास हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट एरिया हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इजीली हम इसको शिप से कर सकते हैं। तो ये पॉट्स हैं बेलारी और चित्रदुर्ग, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरु बेल्ट, ये कर्नाटक में है, हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, यहाँ पे भी कर्नाटक में बहुत रिजर्व्स हैं जो पाए जाते हैं। और कंदरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, जो कंदरमुख है, जो माइंस हैं, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाती हैं कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया जाता है पूरा 100%। और जो कंदरमुख है यहाँ पे जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो लार्जेस्ट हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट माना जाता है इसको। द ऑर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पॉट नियर मैंगलुरु, दैट मीन्स जो इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ओर को पाइपलाइन के थ्रू, इसको पहले स्लरी में चेंज कर लेते हैं, स्लरी मीन्स लिक्विड में चेंज करते हैं और फिर वाटर के साथ इसे पाइपलाइन में भेजा जाता है पॉट तक, और बेंगलुरु पॉट तक भेजा जाता है जो फिर बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, यानी रत्नागिरी जिले और जो महाराष्ट्र गोवा में है वहाँ पे ऑर्स पाई जाती हैं, और द ऑर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो नहीं पाया जाता, बट दे आर इफिशेंटली एक्सप्लॉयटेड, इतना है कि उसको यूज़ किया जा सकता है। आयरन ऑर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमागाओ पोर्ट जो है वहाँ के थ्रू, इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे हम मैप के थ्रू समझेंगे जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें ईजिली। आप यह मैप में देख सकते हैं जो मयूरभंज है और
कंदूझर है, और ये जो ट्रायंगल रेड रेड कलर के बने गोवा है जो झारखंड का, झारखंड में माइंस पाई जाती हैं, और ये दोनों कहाँ की हैं, और ये उड़ीसा की हैं। तो ये तीनों आप देख सकते हैं जो यहाँ पे माइंस पाई जाती हैं, और ये पोर्ट आप देख सकते हैं पैराद्वीप। तो यहाँ से इसको पैराद्वीप जो पोर्ट है यहाँ से इस बंदरगाह से समुद्र के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आप दोनों को मैप में भी याद करना पड़ेगा और मेंशन भी करना पड़ेगा। ये तीनों जैसे गोवा कहाँ का हो गया, झारखंड का, और ये मयूरभंज और कंदूझर जो हो गया, ये दोनों उड़ीसा के हो गए। तो ये मैप में आपको फिल करना है और इसको लर्न भी करना है। सेकंड हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो ये है किसका है, ये इसको हम बोलेंगे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे पाई जाती है। तो ये दोनों आप ये ट्राइंगल्स देखेंगे ना, ये बाउंड्री पे है, यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की बाउंड्री पे पाए जाते हैं ये जो हेमेटाइट्स माइंस पाई जाती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल्स जो बेलाडीला का देख सकते हैं, हिल रेंज ऑफ हिल्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे है जो है इसमें चंद्रपुर है, और नेक्स्ट आप बस्तर देख सकते हैं, दुर्ग देख सकते हैं। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर और बेलाडीला, तो ये आप यहाँ पे जो है इससे आपको अंडरस्टैंड हो सकता है कि यहाँ क्या पाया जाता है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के एरिया में क्या पाया जाता है, हेमेटाइट्स और पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इनका कौन सा हो गया, पोर्ट हो गया। ये आपको स्पेशल लर्न करने होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो है बेलारी चित्रदुर्गा चिक मंगलुरु तमकूरु बेल्ट जो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में आप यहाँ स्पेशल देख सकते हैं, बेलारी देख सकते हैं, तमकूरु देख सकते हैं, चिक मंगलुरु देख सकते हैं, और चित्रदुर्गा। तो ये आप ट्राइंगल्स के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे माइंस पाई जाती हैं। और ये किसके थ्रू इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पोर्ट है मैंगलुरु, और मैंगलुरु के थ्रू इसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। तो आपको पोर्ट भी लर्न करने हैं और ये प्लेसेस भी। नेक्स्ट है जो गोवा और महाराष्ट्र के जो प्लेसेस हैं, और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जिला है रत्नागिरी, यहाँ पे पाया जाता है ट्राइंगल, आप देख सकते हो। और यहाँ से कहाँ भेजा जाता है, मारमा गांव के थ्रू यहाँ से भेजा जाता है, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो आप सी कॉस्ट देख सकते हैं और जो प्लेसेस हैं, पॉट्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और मैप में आपको फिल करना आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको मैप में फिल करने के लिए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे मैग्नीज, जो फेरस मिनरल का एग्जांपल है। मैग्नीज इज़ अ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरस मैग्नीज एलॉय। दैट मींस ये एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, कोरमेंटल फॉर्म में मिलता है, और जो एलॉय की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, दैट मींस जब हम एक या एक से अधिक मेटल को यूज़ करके बनाते हैं तो वह एलॉय होता है। तो हम इसे यूज़ करते हैं किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ये तो स्टील के लिए। वो कैसे करते हैं, जैसे कि 10 kg ऑफ मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील, यानी 1 ton स्टील बनानी है तो हमें 10 kg मैग्नीज उसमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, ये सब इसके बनाने में यूज़ किया जाता है। सबसे अधिक आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, महाराष्ट्र है, ये लर्न करने हैं। प्लेस जो हैं आपको मैप में भी फिल करने हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जो मैग्नीज के सबसे जो यहाँ पे अधिक पाया जाता है, दैट मीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। थैंक यू।